हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। सो यू नो अबाउट मी, आई एम योर साइंस एजुकेटर मलिका सेठी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन क्लास अपार्ट यूट्यूब चैनल। बट दिस यूट्यूब चैनल इज फ्रॉम अनअकैडमी। अनअकैडमी के चैनल है तो आप क्या कर सकती हैं, यूट्यूब पे तो देख ही रही हैं, बट मैं आपको कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ अनअकैडमी के बारे में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिनको नहीं पता है कि व्हाट इज अनअकैडमी, तो वो देखो क्या है। ऐप स्टोर पे आपको, जैसे आप कुछ और सर्च करती हैं वैसे अगर आप सर्च करेंगे अनअकैडमी लर्नर ऐप, तो आप उसे क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल कर लो अपने फोन में। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका कोई पर्सनल ट्यूटर होता है, आप अपने पर्सनल ट्यूटर की तरह भी उस पर पढ़ सकते हैं। उस कोर्सेज को बोलते हैं प्लस कोर्सेज, और एक और बस होगा नेक्स्ट टाइप का जो है वो है स्पेशल कोर्सेज। स्पेशल कोर्सेज में आपको कुछ पे नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पूरा का पूरा आपको अपना सिलेबस मिलेगा, विद आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आप बिल्कुल फ्री उसमें वीडियोज देख सकती हैं अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो। बट प्लस का क्या फर्क होता है, देखो अगर आपका कोई पर्सनल ट्यूटर है तो आप उसे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं, अपने जिस टीचर की आपको अच्छे से समझ आ रही है आप उसी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो प्लस के लिए क्या रहता है, जैसे आपकी ऑफलाइन कोचिंग देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है, लाइक दिस आपको क्या करना होगा, पे करना होगा 3 मंथ्स 4 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स 48 मंथ्स, पूरा का पूरा ऐसे कोर्सेज है। बट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, पे करने से पहले आपको क्या करना है, MASE कोड यूज करना है। कैसे कोड यूज करना है, अगर आप कोड यूज करते हैं MASE तो देखो, लाइक 3 मंथ्स की बात करें, देखो आपके पास पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि 3 मंथ थ्रू लेके 48 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन है, आप ले सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्यादा ज्यादा मंथ के लेंगे तो आपको बेनिफिट्स भी बढ़ता जाएगा। तो देखो अगर जैसे आपने 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 7500 रुपीज पे करने हैं, बट अगर आपने प्रोसीड टू पे करने के बाद मेरा रेफरल कोड यूज कर लिया MASE तो आपको फायदा होने वाला है, 10% ऑफ मिलेगा आपको, जिससे कि आपको 75 से कितने भरने पड़ेंगे, 6750 रुपीज पे करने पड़ेंगे, तो आपको फायदा हो गया। और बहुत सारे फायदे हैं, और बहुत सारे फायदे क्या हैं, आपको क्या मिलेगा इसमें, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे आपके पास, और आप पर्सनली कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, टेस्ट, बहुत सारे फायदे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो, सॉरी। तो और क्या है फायदा हमें अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करने से, क्या फायदा है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, लाइक आपको जैसे मैं ये चैप्टर करा रही हूँ, आपको बीच में कहीं भी डाउट आ गया, या आपको इस पे बेस्ड किसी क्वेश्चन पे डाउट है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपने ऐसे पिक्चर क्लिक करनी है जैसे स्क्रीन पे शो हो रही है, पिक्चर क्लिक करके आपने अपलोड कर देनी है विद योर प्रॉब्लम एंड विद योर सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट से ये रिलेटेड है, आपको उसका जो आंसर है विद इन 24 आवर्स वीडियो में मिलेगा, वीडियो की फॉर्म में मिलेगा, इजीली वे में उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो देखो इससे ज्यादा फायदा जो है किसी को भी नहीं मिलने वाला है। आज के बच्चों, आप लोगों को तो क्या है, सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, आपको तो बस खाना है, पढ़ना है, नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, पढ़ा रही है। पहले का टाइम होता था कि बच्चों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता था, आप लोगों को पढ़ना बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो ये था अनअकैडमी का इंट्रोडक्शन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं लाइव प्रोसेस चैप्टर हमारा चल रहा है, हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया है, रेस्पिरेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने रिवीजन भी करवा दी, जिसने नहीं किया है मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी अभी आपके पास नई वीडियोस आएंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, लाइक और शेयर करना मत भूलना यार। तो हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट, लाइव प्रोसेस का ये थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्ट। तो देखो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, होता क्या है, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग समझो। अगर हम देखो बायोलॉजी की बात छोड़े, हम वैसे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करना, उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं।
बट हर एक चीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलग है ना। अगर हमें किसी बेबी को कैरी करना है तो हम उसको प्राइम में बिठाएंगे, हमें अगर बेबी को कहीं किसी भी बच्चे को स्कूल जाना है तो स्कूल वैन में जाएंगे, जो कुछ अगर अनदर सामान है जैसे कोई भी पोस्ट है तो अलग अलग गाड़ियां होती हैं, अलग अलग सबकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। लाइक दिस क्या है, वैन भी, कार भी, पुलिस कार, बस, एम्बुलेंस, स्कूटर, साइकिल, ये सब क्या है, सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है। इन सब के थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ये हमने बायोलॉजी की बात नहीं की, हमने जस्ट वैसे बात की कि आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग यही है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। किसके थ्रू ही लेके जाएंगे, या हम वो पैदल लेके जाएंगे, या फिर हम वो किसी बस पे भेजेंगे, या वो हम किसी कैब के थ्रू भेजेंगे, या हम किसी बाइक के थ्रू। देखो अभी कोई भी हम स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो वो बाइक्स के थ्रू आता है, हमें कहीं कैब पे जाना है तो हम लोग कार के थ्रू जाते हैं, टैक्सी के थ्रू जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना, कुछ ना कुछ ऐसा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम एक चीज को दूसरी जगह पे पहुंचा सकें, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। हमने इनको सबको व्हीकल्स का नेम दे दिया कि ये सब क्या है, व्हीकल्स हैं। बट इन बायोलॉजी क्या होगा, इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, कोई भी सब्सटेंस एक जगह से एब्जॉर्ब होता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमने अगर अपनी डेली लाइफ की बात की तो हमने ये बोला कि ट्रांसपोर्ट वो होता है कि हमने अपने किसी सामान को, हम खुद एक जगह से हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो उसका मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जगह चेंज हो रही है। बट बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ये है, कुछ कोई भी सब्सटेंस एक बॉडी के एक पार्ट से एब्जॉर्ब होके दूसरे पार्ट में जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बट अब देखो, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर बॉडी के जा रहा है तो कोई ना कोई तो सिस्टम बॉडी के अंदर भी होगा ना, उस बॉडी में भी कुछ ना कुछ है, हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ होगा जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एनी सोर्सेज हो ही नहीं सकता। ये तो सारे हमारे डेली लाइफ के सोर्सेज हैं, तो वैन हो गई, टैक्सी हो गई, साइकिल हो गया, ये सब हमारी बाइक्स, बाइक, स्कूटर। तो ऐसे ही हम लोगों की बॉडी में भी, एनिमल्स में, प्लांट्स में, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम तो होगा जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो कौन सा सिस्टम है, कैसे है, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज। क्या होता है, प्लांट्स के पास स्पेशली वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से और टिश्यू से मिलके बनी है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल सोर्स होगा, ऐसा कुछ ना कुछ स्पेशल। ये तो नहीं हमारी बॉडी में प्लास्टिक की पाइप्स हैं, ऐसा तो नहीं है। ट्रांसपोर्ट में देखो, पानी की भी अगर हम बात करते हैं, अगर हमें एक नल से पानी दूसरे नल तक लेके जाना है या एक नल से बकेट में लेके जाना है तो हमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, पाइप यूज करते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडीज में या फिर प्लांट्स की बॉडीज में क्या है, अभी हम जस्ट प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर क्या है, वास्कुलर टिश्यूज हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देयर आर टू टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। तो आपको क्या याद रखना है कि क्या है, प्लांट्स के पास वास्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू के थ्रू प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब प्लांट्स के अंदर अगर प्लांटेशन होता भी है तो प्लांट्स खाते क्या क्या है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स रोटी तो खाते नहीं है, हम उन्हें रोटी डाल के तो देते नहीं। हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है ना। फोटोसिंथेसिस होती किसके अंदर है, लीव्स के अंदर होती है। तो मींस जो उनका फूड बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, वो कहां बन रहा है, लीव्स के अंदर बन रहा है। अब प्लांट्स पूरा का पूरा इतना बड़ा प्लांट्स होता है, ये तो है नहीं कि उसके अंदर सिर्फ लीव्स हैं। अब जो लीव्स के अंदर फूड बन रहा है वो पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू होगा ये देखते हैं। और वाटर,
वाटर भी, हमने एक चीज और पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में कि जो वाटर है वो कहाँ से जाता है, हमारे प्लांट्स जो है वो हम पानी हमेशा नीचे डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, प्लांट अपने आप अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। तो हमने जो प्लांट्स के अंदर पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, हमने किस किस का पढ़ना है, फूड का पढ़ना है प्लस हमने वाटर का पढ़ना है कि कैसे फूड ट्रांसफर होता है और कैसे वाटर ट्रांसफर होता है। तो है क्या, वास्कुलर टिश्यू है। वास्कुलर टिश्यू टू टाइप की है, कौन कौन से टू टाइप की है, फर्स्ट तो हमारे पास है जाइलम टिश्यू एंड सेकेंड इज फ्लोएम टिश्यू। एक एक चीज अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करते जाओ, सिर्फ ऐसे लिखते जाओ, वास्कुलर टिश्यू वीटी के नाम से कर दो, जाइलम एक्स कर लो, ये पी लिख लो। अगर आपको ये याद हो तब ऐसे लिखना छोटे छोटे फॉर्म कि आपको थोड़ा सा, आप साइड पे भी लिख सकते हैं इनकी। वास्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट जो होगा जाइलम होगा, सेकेंड क्या होगा फ्लोएम होगा। ठीक है, अब जाइलम टिश्यू क्या है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट ऑफ द होल बॉडी टू द फ्रॉम रूट टू द होल बॉडी ऑफ द प्लांट। इट्स बेसिक फंक्शन इज मूव वाटर रूट्स टू लीव्स एंड शूट्स। जाइलम का काम क्या है, सिर्फ पानी को ट्रांसफर करना, पानी जाता है रूट से लेके पूरे प्लांट के अंदर, किसके थ्रू जाता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है। सेकेंड फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल टू द होल प्लांट बॉडी। इट्स बेसिक फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्सेज टिश्यू। ठीक है, बहुत इजी है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, जाइलम के थ्रू हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। जैसे हमें अपना पता है ना कि हमें स्कूल बस जो है वो स्कूल के स्टूडेंट्स को ही लेके जाएगी, ऑटो जो है वो रास्ते में जितने भी हमारे पास पैसेंजर्स होंगे जिसको भी जाना होगा वो जाते हैं, ऐसा फिक्स रहता है ना। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, हमें ट्रेन पे जाना है या हमें अपनी पर्सनल कार पे जाना है, तो ऐसे सब कुछ क्या है, हमें अपने माइंड में सेटअप है कि साइकिल पे, छोटे साइकिल छोटे बच्चे ही चलाएंगे, स्कूटर जो है वो जैसे स्विगी का स्कूटर है तो वो स्विगी, तो ऐसे ही ये इनके फंक्शंस हैं। फिक्स्ड है ये कि जो जाइलम है वो पानी को ट्रांसफर करता है प्लांट के अंदर, वाटर को ट्रांसफर करता है, और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम। अब हमने ये दो कर लिए कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है और फ्लोएम कर रहा है। जाइलम के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं और फ्लोएम के कितने पार्ट्स होते हैं। जाइलम जो होते हैं ना उसके टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है लिविंग सेल्स और एक होते हैं नॉन लिविंग सेल्स। ठीक है, जाइलम टिश्यू होता है, आपको बता दूं टिश्यू जो होता है वो होता क्या है, टिश्यू इज इक्वल टू बेसिकली सेल प्लस में सेल। जब सेल 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 मिलके कुछ बनाते हैं ना लार्ज, तो उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो मींस टिश्यू जो है वो किससे मिलके बने हैं, सेल सेल के से मिलके बने हैं। तो जो जाइलम टिश्यू है वो टू टाइप के होंगे, वो भी आगे आपके पास नाम आ जाएगा। वैसे टू टाइप के कौन कौन से हैं, जाइलम वेसल्स हैं और ट्रेकियार्ड्स हैं। ट्रेकियार्ड्स टू टाइप के होते हैं, जाइलम वेसल्स जो है वो नॉन लिविंग है, ट्रेकियार्ड्स जो है वो क्या है, लिविंग सेल्स है। तो आपको इसमें इतना ही एक बार लर्न कर सकते हो आप कि लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग टू टाइप के जाइलम्स होते हैं। फ्लोएम जो है वो कितने टाइप के हैं, थ्री टाइप के होते हैं। एक तो होता है सीव्स एलिमेंट, मतलब ये भी आगे फर्दर तीन चीजों से मिलके बने होते हैं। सीव्स एलिमेंट, सीव क्या होती है, छाननी होती है, छाननी टाइप होते हैं, अभी अगर स्ट्रक्चर में करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कंपेनियन सेल, ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स एंड फाइबर्स। ठीक है, ये सब चीजों से मिलके क्या बनता है, फ्लोएम बनता है। ये आपको इतना ज्यादा लर्न नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको ये लर्न नहीं हो रहा, तो ये जस्ट मेरे को समझाने के लिए था आपको। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगी कि जो हमारे पास जो है फूड और वाटर जो है वो ट्रांसफर होता कैसे है एक्चुअली में। देखो ये हमारे पास क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फूड जो है वो कहाँ पे बना होता है, लीफ के अंदर बना है। वाटर जो है वो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। अभी हमने देखा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट की स्टेम है। आप स्क्रीन को ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, स्टेम है। इसमें आपको एक तो ये वाली पाइप टाइप शो की हुई है, वैसे एक आपको ये शो की हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल अप फ्रॉम रूट्स। हमने पानी दिया रूट में, प्लांट्स को हम पानी देते हैं, तो जो भी सोइल के अंदर मिनरल्स होते हैं वो सब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं।
तो जो डिजोल्व मिनरल्स हैं और जो वाटर है वो कहाँ पे जा रहा है, वो यहाँ से ट्रांसफर होके सब प्लांट के पूरे पार्ट में जा रहा है जहां चाहिए, पूरा का पूरा होल प्लांट के अंदर सब लीव्स में ईच एंड एवरी स्टेम के पास वो पहुंच रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? ये जाइलम टिश्यूज के थ्रू जा रहा है। ठीक है, हमने बोला कि जाइलम टिश्यू क्या करता है, वाटर को करता है। अब ये देखो ये क्या है, फ्लोएम टिश्यू। अब बट ये अपोजिट है, अपोजिट कैसे है, पानी तो कहां पे जाएगा, रूट से जाएगा, बट फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसफर करना। फूड कहां पे बना हुआ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है तो फूड कहां पे है, प्लांट की लीव्स के अंदर है, तो फूड यहां प्रेजेंट है। यहां से ये फूड जो है वो किसके थ्रू जा रहा है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जा रहा है। आपको ये चीज याद रखनी है कि फ्लोएम टिश्यू क्या कर रहा है, फूड को कैरी कर रहा है और फूड को कैरी करके ईच एंड एवरी प्लांट के स्टेम्स तक पहुंचा रहा है, पार्ट तक पहुंचा रहा है, हर एक पार्ट तक पहुंचा रहा है। बट ये चीज अपोजिट है, देखो ये एरो ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं कि नीचे से वाटर जाके ऊपर प्लांट में जा रहा है, बट प्लांट की लीव्स के अंदर जो क्या है, लीव्स के अंदर जो फूड है वो लीव्स में से आके सारे के सारे प्लांट के अंदर जा रहा है। और जो वाटर होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, जिसे भी क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, कि इवेपोरेट हो रहा है, कुछ एक जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, एनवायरमेंट में चले जाते हैं। ओके, ये तो आपका था। अब हम अच्छे से पढ़ते हैं कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। जाइलम है क्या एक्चुअली में, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अभी हमने कर लिया। इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। चार चीजें हैं जो कि आपको ये लर्न करनी है, क्योंकि ये क्या है, आप वैसे लिखो ना लिखो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि जाइलम टिश्यू जो है वो किस किस से मिलके बना है। तो ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ट्रैकियार्ड्स एंड जाइलम वेसल्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट। जो ये है ना, ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल्स हैं, ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। द जाइलम मेक्स ए कंटिन्यूअस ट्यूब इन प्लांट व्हिच रन्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड राइट अप द वेन्स ऑफ द लीव्स। मींस, कहने का मीनिंग ये है कि जो जाइलम है वो क्या है, इस टाइप से लॉन्ग एक रनिंग ट्यूब है, जिसकी वजह से प्लांट्स को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। जो प्लांट की हमारे पास क्या होती है, प्लांट का जो बार्क होती है या फिर स्टेम होती है वो बहुत हार्ड होती है, आप उसको जो नीचे वाला पार्ट है रूट से ऐसे करके तोड़ नहीं सकते, इतना वो नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता। तो जो उसके अंदर हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, जाइलम वेसल्स की वजह से होती है। ठीक है, तो जाइलम क्या करते हैं, ये रूट से लेके स्टेम, मतलब जो एक उसकी लेंथ है या उसकी ऊंचाई है या उसकी हार्डनेस है प्लांट की, तो वो किस पे डिपेंड करती है, जाइलम वेसल पे डिपेंड करती है। एंड ट्रैकियार्ड्स और जाइलम वेसल्स दोनों ही क्या करती हैं, दोनों ही लेंथ प्रोवाइड करती हैं, दोनों ही वाटर को ट्रांसफर करती हैं, बट जो जाइलम वेसल है ये किसके अंदर होता है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है। किसमें होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होते हैं। आप कभी भी देख लो, जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे ना उसकी स्टेम इतनी हार्ड नहीं होती, आप उसको तोड़ सकते हो, ऐसे ब्रेक कर सकते हो। बट जो ट्रैकियार्ड्स हैं वो किसके अंदर होंगे, नॉन लिविंग के अंदर, सॉरी नॉन लिविंग नहीं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। किसमें होंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। आप देख लो नीम का पेड़ देख लो या कोई और अशोका का देख लो, उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। किस लिए होती है हार्ड, क्योंकि उसके वो ट्रैकियार्ड से मिलके बने। जाइलम वेसल्स होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, सॉरी फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, और ट्रैकियार्ड्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं। तो कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये सारा हमारा क्या है, जाइलम का काम है। उसके बाद देखो जाइलम वेसल्स होती क्या है, उसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या है। ये वन वे ही जाती है होंगी, सिर्फ एक बार नीचे से ही ऊपर की तरफ, एक साइड का ही इसका रास्ता है। इसके अंदर क्या है, ये वाटर एंड मिनरल्स है। नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स। ये देखो एक चीज और देखो इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये चीज भी आपको ओपन दिख रही है, ये चीज भी आपको ओपन दिख रही है। तो जो जाइलम वेसल होता है उसकी एंड वॉल्स नहीं होती, वॉल्स एंडिंग मतलब यहां से ऐसे एंडिंग नहीं होती, ओपन होती है।
और थिक वॉल होती है, जो इसकी वॉल होती है ना वो बहुत थिक होती है, ताकि जो वॉटर है वो भी अंदर सेफ रहे। और ये क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसलिए भी हार्ड होती है। और ये लिग्निन की बनी होती है, इसके अंदर लिग्निन होता है, लिग्निन एक सब्सटेंस है, जैसे प्रोटीन्स और ये सब होते हैं वैसे लिग्निन की बनी होती है। तो ये जो जाइलम वेसल की स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें पता चल गई कि ये वन वे जाता है, थिक वॉल होती है, लिग्निन की बनी होती है और नो एंडेड वॉल है, इस पे कोई एंड नहीं होता, ठीक है। सेकेंड देखो क्या है, अब अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, पहले हम मैकेनिज्म करते हैं कि जो वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमें पता है कि ये रूट है, रूट की हेयर्स होती हैं इस टाइप की, उसके बाद सेल है एपिडर्मिस, देन है हमारे पास ये रूट कोर्टेक्स, ये पूरी की पूरी रूट है एक प्लांट की। कैसे वो वाटर लेता है, कैसे वो प्लांट तक पहुंचाता है, ये बताया हुआ है कि ये क्या है, फिफ्थ लेयर ऑफ वाटर, जो मतलब जड़ है वो बिल्कुल नीचे तक, हम कहते हैं ना जड़ काफी नीचे तक जाती है, तो नीचे तक ये जड़ गई हुई है। ये एपिडर्मिस सेल्स हैं, ये रूट कॉर्टेक्स है, ये एपिडर्मिस है, यहां से वो पानी सब करता है, प्लांट लेता है। ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो पूरा का पूरा दिखा रखा है ये जाइलम है, जाइलम वेसल्स है लाइक ए पाइप, पाइप की तरह यहां से पानी गया, वॉटर गया, यहां से जाने के बाद ये हमारे पास लीव्स है, ये प्लांट के अनदर पार्ट है, तो ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी सेल तक क्या कर रहा है, प्लांट्स वॉटर दे रहा है, ठीक है। तो सीधी सी मोटी मोटी बात यही है कि जैसे पाइप से पानी जाता है, वैसे ही प्लांट्स में रूट से पूरे ही पूरे प्लांट में पानी जाता है, बट उस पाइप का नाम क्या है, जाइलम वेसल है। और पाइप क्या है, हार्ड है, हार्ड है, उसको हम ऐसे दबा नहीं सकते, वो पिचक नहीं सकती, कोलैप्स नहीं हो सकती, क्योंकि वो लिग्निन की बनी है और उसकी जो वॉल्स है वो थिक है, ठीक है। जैसे आप प्लास्टिक की पाइप को तो ऐसे कर सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो, बंद कर सकते हो, बट अगर लोहे की पाइप है तो आप हाथ से थोड़ी ना मोड़ दोगे उसको, वैसे ही जाइलम वेसल्स है जिसकी पाइप क्या है, जिसकी सॉरी जो साइड वॉल्स है वो क्या है, वेरी थिक है। ये था हमारा जाइलम वेसल। जाइलम वेसल जो है वो ट्रैकियार्ड्स का बना होता है, तो आपको ट्रैकियार्ड्स और इसमें सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि ट्रैकियार्ड्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होता है। ट्रैकियार्ड्स भी एक रनिंग ट्यूब ही है, उसके जो एंडेड होते हैं ना वो क्लोज होते हैं, ट्रैकियार्ड्स इस टाइप के होते हैं, तो ये ट्रैकियार्ड्स है। जाइलम के जो एंडेड है, मैं आपको यहां स्ट्रक्चर बताती हूं, जाइलम के जो एंडिंग है वो क्या होती है, एंडिंग वॉल नहीं होती, बट जो ट्रैकियार्ड्स है उनकी जो वॉल्स होती है वो एंडेड होती है। और क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं, पिट्स लाइक बोले तो जैसे छोटे छोटे खड्डे होते हैं ना, यहां से पानी ऐसे ट्रांसफर होता है, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर पानी यहाँ से गया, फिर थोड़ा सा रुक गया, फिर यहाँ से गया, जैसे सड़क पे थोड़े थोड़े खड्डे होते हैं तो उसमें अगर फ्लो कर रहे तो पानी रुक जाता है ना, वैसे ही ट्रैकियार्ड्स में होते हैं। ट्रैकियार्ड्स का क्या है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं और वो फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं, काम दोनों का ही यही है कि ये दोनों क्या करते हैं, वॉटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओके। ये हमारा था जाइलम, हमने पानी का ट्रांसफर कर लिया कैसे, अब हमने करना है फ्लोएम कैसे करते हैं। अब मैं आपको अगर सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं, फ्लोएम तो देखो क्या है, यहाँ पे लीव्स के अंदर जो खाना बना, ये वाली अगर मैं आपको अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, हाँ यहाँ हम करते हैं, तो हमारे पास क्या है, लाइक ये हमारे पास क्या है, लीव्स है, ठीक है। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, यहाँ पे क्या खाना बना हुआ है, शुगर, शुगर नहीं हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, C6H12O6 बना हुआ है इसके अंदर। अब ये C6H12O6 को पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर करना है, कैसे करेंगे ट्रांसफर, ये जो प्लांट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो स्टेम है, यहाँ पे कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है। ये जो इसके एंडेड है ना, ये वाली जगह जहां से ग्लूकोज को ट्रांसफर होना है, यहाँ पे सीव ट्यूब है, क्या है, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब बोले तो छाननी लगी हुई है, जहां से फूड जो है धीरे 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 छन के छोटी छोटी अमाउंट में कहां पे गया, फ्लोएम के अंदर गया, फिर यहां से पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो गया। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बस इतना ही है कि इस पे सीव ट्यूब्स होती है, सीव ट्यूब से प्लांट आता है, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज कहाँ जाता है, पूरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है। आप देखो है क्या, हम अगर साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोले तो, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड,
फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सेम ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर्स, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको ये सारे पार्ट्स दिखेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सीव ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट इन फ्लोएम। सीव ट्यूब्स क्या है? कंडक्टिंग एलिमेंट। कंडक्टिंग मींस किसी चीज को जोड़ना, जुड़े हुए हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड हमारे पास क्या है अभी, ये देखो, ये आपको सारा का सारा फ्लोएम ये सब दिखा रखा है कि ये कैसे है, कैसे ये काम करता है। जो ये वाला पार्ट है, ये देखो, आप ये सबके नेम देखो अलग से कि आपको क्या दिख रहा है। ये वाला जो है ना, ऐसे करके ये इस टाइप का है, इसको हम सीव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो है, ये वाली चीज, ये क्या है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट दिखा रखा है प्लांट का, वो क्या है, कंपेनियन सेल्स है। ठीक है, यहां से फूड जाता है पूरे के पूरे प्लांट के अंदर। ये वाला जो फ्लोएम है वो पूरे के पूरे प्लांट के अंदर फैला हुआ है, पूरे प्लांट के अंदर फूड क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये सब कुछ दिखाने की जरूरत, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा है, ये आपके काम करनी है। हमें सिर्फ इतनी चीज ही करनी है कि जो कंपेनियन सेल होते हैं वो ऐसे साइड पे लगे होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे सीव एलिमेंट्स होते हैं, सीव एलिमेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफर होता है। आप इस बी स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, इसमें देख रखे कि ये सीव ट्यूब सेल है, ये सीव प्लेट है, ये वाले सेल जो है कंपेनियन सेल है, और ये क्या है, पेरेन्काइमा सेल है। मतलब जो फ्लोएम टिश्यू है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है ना, तो वो इस टाइप से मिलके बना हुआ है कि उसके बीच में क्या है, सीव्स है, तो छोटे छोटे सीव्स प्लेट है, सीव्स ट्यूब सेल है, ट्यूब के अंदर ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर क्या लगे हुए, छाननी लगी हुई है, सेल्स लगे हुए हैं, और ये क्या है, कंपेनियन सेल है और पेरेन्काइमा सेल है। ये आपको जस्ट नाम लर्न करने, ठीक है। अब हम एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, क्या दिखा रखा है इसमें। ये देखो, ये जाइलम है। जाइलम के अंदर हमने ये बोला कि सिर्फ वन वे होता है, वॉटर सिर्फ रूट से कहां पे जाएगा, प्लांट में जाएगा, बट फ्लोएम जो है वो टू वे है। टू वे क्यों है, ये क्या करता है, ये हमारे पास देखो लीव्स है, लीव्स तो ईच एंड एवरी पार्ट पे है, तो ये ऊपर से नीचे मतलब हर एक पार्ट तक पहुंचा रहा है। लीव्स जो है फूड नीचे भी आएगा, फूड ऊपर भी जाएगा, अगर कोई नीचे है, लीव्स नीचे है तो हमारे पास क्या जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो ये फ्लोएम जो है वो टू वे होता है, और इसके अंदर क्या होता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसफर होते हैं, इसके अंदर वाटर एंड फूड ट्रांसफर होता है। ठीक है, वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फूड जो है, ग्लूकोज जो है, वो वाटर के अंदर डिजोल्व ही होता है, अकेला ग्लूकोज नहीं ट्रांसफर होता। तो इसमें वाटर एंड मिनरल होते हैं, इसके अंदर वाटर एंड फूड ट्रांसफर होता है। नो एंडेड वॉल्स बिटवीन सेल्स, सेल्स के अंदर कोई एंडेड वॉल नहीं होती, जैसे कि मैंने बोला कि इस टाइप से ओपन होता है, बट इनकी क्या होती है, एंडेड वॉल होती है। एंडेड वॉल किससे होती है, सीव सेल से होती है। एंड ये किससे मिलके बना होता है, स्टिफनेस विद लिग्निन। जाइलम जो है वो लिग्निन से मिलके बना है, बट फ्लोएम लिग्निन से मिलके नहीं बना होता है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, इसका काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एकदम से अलोंग होता है, अलोंग अराइट होता है। ठीक है, तो ये था जाइलम और फ्लोएम, जिसके बीच में हमने डिफरेंसेस भी कर लिए, जिसकी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी करवा दी। काम दोनों का यही है कि जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसफर करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसफर करता है। अब हमने क्या करना है, देखो, अब हम करेंगे हमारा जो काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होता है। एक बार हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स में होता कैसे। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपेंस, कैसे हैपेंस होता है, क्या होता है, बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। Thus, unlike the transport through xylem, it is a form of active transport. Moreover, the flow of substances through phloem take place in both direction. It is a two-way traffic in phloem. इन सिर्फ यही बता रखा है कि ट्रांसपोर्ट फूड जो होते हैं वो xylem के थ्रू होता है, xylem वन साइडेड है, phloem जो है वो बोथ साइडेड है। Transpiration the process of flows of water as vapors from aerial part of the plant. Transpiration, ये देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि जो लीव्स के अंदर वाटर है वो इवेपोरेट हो गया। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आपको जरूरी नहीं कि यही लिखना है, आप ये लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स थ्रू जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम। जाइलम वेसल्स इज ए वन वे प्रोसेस एंड फ्लोएम इज ए डबल साइडेड या फिर टू साइडेड या टू वे प्रोसेस है।
xylem vessels transfer only water and mineral, but phloem is transfer water and food in each and every part of the plant. Transpiration में evaporation हो रहा है. बहुत सिंपल है ये, बहुत चीज सारा का सारा छोड़ो स्टोरी, सिर्फ फ्लोएम है, जाइलम है. फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसफर कर रहा है. जाइलम क्या कर रहा है, पानी को ट्रांसफर कर रहा है. जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स होती हैं और ट्रैकियार्ड्स होती हैं. दो चीजें मेन है जो कि आपके सिलेबस में है. और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स होती हैं और सीव ट्यूब्स होती हैं, ये दो चीजें. ठीक है, अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है. एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिपेटिंग पुल. पुल मींस क्रिएटिंग पुल मींस क्या होगा कि जैसे नीचे पानी का प्रेशर बनता है, मोटर से हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो क्या होता है, क्रिएट होता है एक प्रेशर होता है. वैसे ही क्या हो रहा है इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है. जो रूट्स हैं, रूट्स हेयर एपिडर्मिस सेल्स हैं, वो क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है. वो मोटर का काम करती हैं और वाटर कहाँ चला जाता है, ऊपर जाता है. हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट. ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, प्लांट्स के टेम्परेचर को, प्लांट्स का भी एक टेम्परेचर होता है जो कि रेगुलेट करना पड़ता है. टेम्परेचर देखो कैसे, अगर हम बात करें कि प्लांट को बहुत ज्यादा गर्मी में रख दो, कोई प्लांट हम बोलते हैं ना कि छाया का है ये, धूप का है, तो वैसा ही होता है. अगर उसको छाया वाले प्लांट को हम इनडोर प्लांट को अगर हम आउटडोर में रख देते हैं तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मतलब मिसमैच हो गया, टेम्परेचर मैच नहीं हो रहा. तो वैसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मैनेज करके रखते हैं, रेगुलर रखते हैं. मींस प्लांट्स का भी एक टेम्परेचर होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. फूड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने को ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं. ट्रांसलोकेशन, अब आपके पास एक डेफिनेशन भी आ सकती है. ठीक है, बहुत सारे, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन. ठीक है, ये चीज आपने तीनों याद रखनी है, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी. उसके बाद देखो, ये हमारा सारा प्लांट्स का था जो कि खत्म हो गया. हमने करना है एनिमल्स के अंदर करना है, एनिमल्स में भी नहीं, हमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स का ही करना है ट्रांसपोर्टेशन तो. बट उससे पहले हम करने वाले हैं ब्लड. व्हाट इज ब्लड, सबको पता है ब्लड क्या है, खून क्या होता है. हम थोड़ा सा कोई चोट लग जाती, खून आ गया, दर्द हो रहा है बहुत, है ना, ऐसे होता है ना. तो ब्लड सबको पता है, व्हाट इज ब्लड. अब देखते हैं ब्लड लाल रंग का क्यों होता है, हमारे ब्लड के क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर. तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करके रखता है. विच प्लेज द रोल ऑफ कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी. बॉडी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड हमारी बॉडी के अंदर. किन किन चीजों से मिलके बना होता है, प्लाज्मा से मिलके बना होता है, ब्लड सेल से मिलके बना होता है, प्लेटलेट से मिलके बना. बट इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जैसे अपन नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं. ठीक है, वाटर लिया, हमारे पास लार्ज अमाउंट में वाटर है, बट इसके अंदर क्या डालेंगे हम, शुगर डाल देंगे, लाइम जूस डाल देंगे, प्लस में मैंने सॉल्ट भी डाल दिया, है ना. मेरा क्या बन गया, लाइम नींबू जूस, नींबू पानी क्या हो गया, मेरा तैयार हो गया. बट मैंने किया क्या, शुगर, लाइम जूस, सॉल्ट, ये सब कुछ ऐड किसमें किया है, मैंने वाटर के अंदर किया है. ठीक है, लाइक दिस, जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स है, सेल्स जो है वो टू टाइप की हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, डाइजेस्टेड फूड्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो भी प्रेजेंट होता है वो डिसॉल्व किसके अंदर होगा, प्लाज्मा के अंदर होगा. ठीक है, मतलब ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर सब कुछ इमर्ज्ड है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो सब इमर्ज्ड किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर इमर्ज्ड है. ओके, अभी हम करते हैं डीपली, व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा इज ए पेल कलर्ड लिक्विड है, विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर, जिसमें कि 90% तो वाटर ही होता है. ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड. मैट्रिक्स ऑफ ब्लड मीन्स हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा प्लाज्मा है, इसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स है, सब कुछ इमर्ज किसके अंदर है, इमर्ज जो है वो प्लाज्मा के अंदर है. लिक्विड जो है मेन पार्ट वो प्लाज्मा है. देन
ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। सबको पता है रेड ब्लड सेल्स क्या है? रेड कलर के सेल्स होते हैं। देर आर ए रेड कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से इनका रेड कलर होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन जो है उसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जब हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, O2 को मेनली जो है लार्ज अमाउंट में जो O2 को कैप्चर करता है, O2 को ऐसे अट्रैक्ट करता है जैसे मैग्नेट आयरन को करती है। और इसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ये मैग्नेट की वजह से इसका रेड कलर होता है। देखो क्या है, हीमोग्लोबिन हीमो विच इज ए पिगमेंट, हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू हीमोग्लोबिन। सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट थ्रू हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन। और रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन होता है वो मैक्सिमम 3 मंथ होता है। ईच एंड एवरी 3 मंथ के बाद जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं और न्यू बनते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो तो डेड होंगे ही होंगे, नए बनेंगे। तभी ब्लड डोनेट करने से कभी ब्लड कम नहीं होता है। और रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर रोज बहुत लार्ज अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स डेड भी होते हैं, बनते भी हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का मेनली काम होता है रेड, इसका जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैप्चर करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट कलर के होते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। शोल्डर्स होते हैं हमारे बॉडी के, लाइक मेरे को किसी मच्छर ने काटा, वो मच्छर के जो है सेल्स मेरी बॉडी के अंदर बन गए, मलेरिया डेंगू ऐसा। बट अगर मेरी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है तो जैसे शोल्डर डिशू 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 कर मार दिया, वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स अगर मेरी बॉडी में अच्छे खासे हैं तो जो मेरे मच्छर ने काटा, मुझे जो इन्फेक्शन हुआ उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे, डिशू डिशू कर देंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी का रोल प्ले करती है व्हाइट ब्लड सेल्स। शोल्डर्स होती है, खुद मर जाएंगे या हम बोलते कि खा जाएंगे, कैसे भी आप याद कर सकते हो, बट व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई अनदर सेल्स आ रहे हैं उसको किल करने का काम करेंगे। नेक्स्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी रोल इंपॉर्टेंट है। हमें कोई चोट लग गई, यहाँ आपको कहीं पे चोट लग जाए, भगवान ना करे लग जाए, तो आप क्या करेंगे? खून आ रहा है तो हम उसको दबा देते हैं 2 मिनट के लिए। अगर आप दबाएंगे तो उसके बाद खून बंद हो जाएगा। किसी का जल्दी बंद हो जाता है, किसी का लेट, पतला या गाढ़ा खून होता है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई मेरे को इंजरी हो गई, चोट लग गई, मैंने जब उसको प्रेस किया तो प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेंगे? इस टाइप से कोएगुलेट कर देंगे, एक लेयर बना देंगे हमारे जहाँ पे इंजरी हुई है उसके ऊपर, ताकि जो ब्लड हमारा निकल रहा है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ एन इंजरी। ओके, तो ये हमारे थे ब्लड के पार्ट्स। अब फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के? सबसे फर्स्ट एंड मेन फंक्शंस तो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब आ जाएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो सब भी। मींस प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे वो जाइलम और फ्लोएम था। हम लोगों की बॉडी के अंदर जो काम कर रहा है वो क्या है? ब्लड है। ठीक है, ऑस्मेटिक, ऑस्मोटिक का काम करते हैं, रेगुलरिटी ऑफ टेम्परेचर, हॉर्मोन्स, ये सब काम करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, डिटॉक्सिनेशन करते हैं, थर्मोरेगुलेटिंग मीन्स थर्मल को करते हैं। तो ये ब्लड अगर हमारी बॉडी के अंदर सही ट्रांसफर हो रहा है, ब्लड हमारी बॉडी में सही है, अच्छी अमाउंट में है, तो हम बिल्कुल हेल्दी पर्सन होंगे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं हमारे, क्या है? ब्लड के। ये मैंने जो आपको कराया ट्रांसपोर्ट प्लांट्स का हो गया, ब्लड हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर होता कैसे, एक्चुअली प्रोसेस हम करेंगे। होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।